रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और मीठा लेके आए हैं आपके पास, जो कि सर्दियों की सौगात है और ये भी सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है। तो इससे पहले कि हम मीठे की तरफ आएँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ गाजरें हैं हमारे पास, बहुत प्यारी रेड रेड गाजरें आई हुई आजकल, और ये हमने 5 केजी गाजरें ले ली हैं। एक कटर ले लेंगे, इनको हम पील कर लेंगे, छील लेंगे इनको इस तरह से, बारीक छिलका उतारेंगे बिल्कुल। तो ये देखिए जी, गाजरों को हमने छील लिया, छीलने के बाद इनको हमने फ्रंट और बैक से काट लिया। इसके बाद अच्छी तरह से धो लिया, धो के नीट कर लिया हमने। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक चॉपिंग बोर्ड। गाजर की लेंथ आप अपनी मर्जी से बड़ी छोटी कर सकते हैं। अब हम इतनी बड़ी गाजर है तो इसके 3 पीस बनाएंगे। ये देखिए ये, और इसी तरह इसके पीस। सेंटर से धो करेंगे। आप बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से, जैसी आपको पसंद हो। ज्यादा बड़ी होगी तो उसके हम 3 पीस करेंगे। ये साइज करना है हमें सब जी। तो ये सारी गाजरें हमने काट ली, अब इन्हें हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे। यहाँ पे हमने बड़ा बर्तन ले लिया, इसमें सारे को डाल देंगे। इस तरह से ये डाल देंगे गाजरें। इसके अंदर जाएंगी 5 किलो गाजरें थी हमारे पास, 2 किलो चीनी है। चीनी हमारी ब्रीक है इसलिए हम 2 किलो डाल रहे हैं। अगर आपकी चीनी मोटी हो आप कम भी कर सकते हैं, आप अपने मीठे के हिसाब से कम ज़्यादा चीनी डाल लें। तो ये डाल देंगे चीनी इसके ऊपर, अच्छी तरह से इसके ऊपर सारे गाजरों के ऊपर डाल दें आप। गाजरों के अंदर इस तरह से हिला कर दें। और इसके साथ जाएंगी सब्ज़ इलायची हमारे पास, 7 से 8 सब्ज़ इलायची हैं, ये हम डाल देंगे इसमें। ठीक है, अब इसको हम कवर करके रख देंगे 10 से 12 घंटों के लिए। इसको हम कवर ऐसे रख देंगे 10 से 12 घंटे, ये पड़ी रहेंगी, इनका अपना ही पानी निकलेगा और उसी पानी में हम पकाएंगे तेल। तो ये देखिए जी, गाजरों ने कितना पानी छोड़ दिया है 12 घंटों में। ये देखिए, ये सारा गाजरों का और चीनी का पानी है, हमने एक्स्ट्रा इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, अब ये इसी पानी में पकेंगी। तो इसको पकाने के बाद आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। ये देखिए जी, गाजर का मुरब्बा हमारा तैयार है। ये लुक देखिए, जब इस तरह की लुक आ जाए तो लुक देखिए कितना प्यारा है, इतना कुछ मेरा जो बह जाए ठीक होना शुरू हो जाए। तो फिर आप बंद कर दें चूल्हा, फ्लेम ऑन कर दिया चूल्हे को। अब हम इसको ठंडा करेंगे और डिशूट करेंगे।